गरीब आदमी की जिंदगी बदलने में और वो आखिरी गरीब आदमी जिसकी तरफ समाज का ध्यान नहीं जाता है, उस गरीब आदमी की भी जिंदगी में उसके घर में भी सुख का सवेरा आना चाहिए, ये भाव लेकर अगर बढ़े तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बढ़े। हम जोरदार अभिनंदन करें अपने उस दर्शन का, जिसके बलबूते पर एकात मानव दर्शन के रूप में आज दीनदयाल जी के माध्यम से हम ये दुनिया के अंदर ये दृष्टि देने में समर्थ हुए हैं। मैं आज उम्मीद करता हूं नरेला विधानसभा के 138 नंबर बूथ के इस सदस्यता के कार्यक्रम में आप सबके माध्यम से, मैं भले ही मुख्यमंत्री हूं लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया तो मैं प्रदेश के कार्यक्रम में भी गया, प्रदेश के कार्यक्रम के बाद जिले के कार्यक्रम हुआ, जिले के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ, जिले के बाद मंडल के अंदर इंदौर में मंडल के कार्यक्रम में भी गया, फिर ग्वालियर में शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में शामिल हुआ और आज भोपाल में पुनः बूथ के कार्यक्रम में सदस्यता बनाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ। यह हमारी पार्टी का सिद्धांत भी है और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए पाथेय भी है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाने की जरूरत, हर एक चीज को केवल बोलने की जरूरत नहीं, केवल भाषण देने की जरूरत नहीं, हजारों लोगों में भी बोल सकते और 100-200 लोगों में भी बोल सकते, क्योंकि बोलने का सवाल नहीं है, सवाल करके दिखाने का। तो मैं विश्वास जी और सुमित भाई जोरदार ताली बजा महापौर जी सहित पूरे मंच के लिए। आज हम दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को सार्थक करेंगे, हम और आप मिलकर के सदस्यता अभियान में साथी बनेंगे, लेकिन आज चूंकि मैं मेरे निवास पर भी एक और कार्यक्रम है तो कुछ देर तो आपके साथ रहूंगा, लेकिन अभी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर के अपने अपने स्थान पर शाम तक ये सदस्यता अभियान चलाएं, कोई घर नहीं जाएगा, आखिर तक लगे रहेगा।